हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी का नाम है तवा पिज्जा। तो मैं पिज्जा बनाने वाली हूँ, अभी तवे पे बनाने वाली हूँ एकदम अलग तरीके से। तो पिज्जा बनाने के लिए मैं 100 ग्राम मैदा ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, यानी कि गर्म पानी में डाल रही हूँ। उसको थोड़ा मैं हिलाकर घोल लूँगी चम्मच से, अच्छे से घोल लेना है पानी में चीनी को। पानी गर्म लेना है हमको मैदा सानने के लिए, यानी कि गूथने के लिए। तो अब मैं सब मिक्स कर लेती हूँ ड्राई ईस्ट नमक मैदे में। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को अच्छे से गूँथ लूँगी, एकदम सॉफ्ट गूँथना है हमको, टाइट नहीं गूँथना है। तो ये देखिए, मैं मैदे को गूंथ चुकी हूँ, एक छोटा सा डो बना ली हूँ। तो अब मैं इसको एक बाउल में रखूँगी और फिर एक मैं पॉलीथीन लगाकर अच्छे से रख दूँगी। अभी मैं थोड़ा तेल लगा दे रही हूँ ऊपर से। तेल लगाने के बाद मैं कटोरे को एक प्लास्टिक की थैली में बांध कर रख दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से बात कर रख देना है। तो जब तक हमारा मैदा सेट होगा, यानी कि मैं गूंथ के रख दी हूँ, तब तक मैं प्याज और शिमला मिर्च काट लेती हूँ शिमला पिज्जे में डालने के लिए। तो हमें प्याज और शिमला मिर्च को चौकोर साइज में काट लेना है, सब सेम साइज में। ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे कट कर लेना है। तो देखिए, मैं प्याज को काट चुकी हूँ, अब मैं शिमला मिर्च को काटूंगी। इसका जो अंदर का बीज है वो हमको बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए, मैं अब शिमला मिर्च को भी काट लेती हूँ चौकोर साइज में। तो अब देखिए आप लोग, मैं शिमला मिर्च भी काट चुकी हूँ। तो अब मेरा जो मैदा मैं सान कर रखी थी गूंथ कर, वो भी हमारा फुल कर डबल हो चुका है। तो अब मैदे को मैं बाउल से निकाल लेती हूँ, फिर एक छोटा छोटा डो बना लेती हूँ पिज्जा बनाने के लिए।
मैदे को मैं अच्छे से रगड़ कर एकदम फिर अच्छे से एक डो बना लेती हूँ। अब फिर मैं एक छोटा सा इसमें लोई काटूंगी यानी कि डो, ना तो एकदम छोटा हमको डो लेना है ना तो एकदम बड़ा, क्योंकि जो हमारा पिज्जा बेस होता है तो एक थोड़ा मोटा ही होता है, एकदम पतला तो होता नहीं है। तो अब मैं इसको बेलन की मदद से धीरे धीरे से बेल लेती हूँ, आराम से पिज्जा बेस बना लूँगी बेल कर। तो ये देख लिए मैंने बेलन से बेलने के बाद, थोड़ा मैं हाथ से भी इसको बड़ा की हूँ। तो अब मैं इसको पिज्जा बेस को अब मैं तवे पे रख देती हूँ। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी टोमेटो सॉस, नहीं सबसे पहले मैं पिज्जा सॉस लगाऊंगी। अब मैं टोमेटो सॉस ले रही हूँ यानी कि रेड चिली सॉस, सॉरी टोमेटो सॉस नहीं रेड चिली सॉस। अब मैं दोनों अच्छे से मिक्स करके पूरे पिज्जा बेस पे लगा दूंगी, यानी कि पिज्जा की जो रोटी मैं बनाई हूँ उस पे लगाना है। तो ये देखिए मैं पूरा लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं प्याज रख देती हूँ एक एक टुकड़े, ऐसे सब फैला देती हूँ पिज्जा बेस पे। तो सेम ऐसे ही शिमला मिर्च को भी मैं रख देती हूँ। तो देखिए दोनों रख चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी चीज़, मेरे पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो मैं जो नॉर्मल चीज़ होता है वो वाला कट करके छोटे छोटे पीसेस में यूज कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं, मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं ऑरिगैनो डाल देती हूँ पिज्जा के ऊपर। ये सब दोनों डालने से हमारे पिज्जा का टेस्ट और बढ़ जाता है, तीखा भी लगता है थोड़ा, पिज्जा खाने में फीका फीका नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ऊपर से सब डाल रही हूँ। तो अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और फिर मैं कढ़ाई में नमक रख दी हूँ। अब मैं कढ़ाई को रख देती हूँ गैस पर। अब फिर मैं एक थाली से ढक देती हूँ। अब कम से कम मैं पिज्जा को 15 मिनट बेक करूँगी। तो ये देखिए हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है बनकर, पक चुका है। तो अब मैं गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ। अब जब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी तवा गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, तब ये मैं नीचे कढ़ाई से बाहर निकाल ली हूँ पिज्जा को। तो अब मैं इसको कट करूँगी। अभी तवा गर्म ही है। तो ये देखिए मैं कट कर चुकी हूँ। तो ये देखिए हमारा पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है, यमी एंड टेस्टी एंड हेल्थी घर का बनाया हुआ तवा पिज्जा। तो आप लोग भी सेम ऐसे ही बनाइए तवे पे और खाइए, तवे पे पिज्जा तो और ही टेस्टी लगता है बनाकर खाने में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।